और वीआईपी पार्टी का या सभी दल का यहाँ पर लोग आए हैं, सभी पदाधिकारीगण तथा इस कमेटी के सभी सदस्यगण, दूर दराज से आए हुए तमाम माताओं बहनों सभी के मैं आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर और बारून का क्रांतिकारी धरती इतिहासों की धरती वीरों की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ में हमारे मीडिया भाई के लोग भी बैठे हैं, इनको भी मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, बहुत हर्ष और सौभाग्य की बात है कि प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी निषाद समाज कल्याण समिति के बैनर तले ये गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी के जयंती बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, इसके लिए मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज ऐसे ऐसे महान पुरुषों को, ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों को जयंती मननी चाहिए, इसलिए कि जब हमारा आने वाला पीढ़ी है, आने वाला नौजवान है, इन लोगों को सीख मिलेगा कि हमारा वेद व्यास जी क्या थे, क्यों इनको जयंती मनाया जाता है, क्यों इनको गुण गाया जाता है। साथियों, और मैं कहना चाहता हूँ, जो पुरुष जिस जाति में जन्म लिया अगर ज्ञानी है तो सबके लिए है, चाहे वेद व्यास हुए या कृष्ण हुए या भगवान राम हुए या जो हुए, जिस जाति में जन्म लिए हैं अगर गुण उनका सही है तो सभी जाति के लिए है, एक जाति के लिए नहीं है। इस वेद व्यास जयंती से सीख लेनी चाहिए कि हमारे वेद व्यास जी जिस धारा से चले हैं, हम लोग को चलने के जरूरी है। साथियों, इनको गुणों को अर्जित करने के जरूरी है। साथियों, वेद व्यास जी एक साधारण परिवार में, एक साधारण फैमिली से, गरीब के कोख से इन्होंने देश रत्न कहने के काम किए हैं। साथियों, पूरे देशों और विदेशों में चर्चा हुआ है, एक गरीब परिवार में जन्म लेके चार चार वेद लिखने के काम किए हैं, जो आज महाभारत के भी चर्चा चल रहा है। साथियों, इनसे सीख लेने के जरूरी है। साथियों, इनसे सीख लेने के साथ जरूरी है। साथियों, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े महाभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनु शरीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार हुआ है, जब जब अन्याय हुआ है, तब तब ऐसे ऐसे महापुरुषों को अवतार हुआ है। साथियों, ऐसे ऐसे महापुरुषों को अवतार हुआ है, इस पृथ्वी पर आए हैं, एक भाईचारा बनाकर रहने के जरूरी है, नहीं तो बुरा काम का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है आरोप उसका उसका घर देखो, उसका उसका घर देखो, एक भाईचारा बनाकर रहने के जरूरी है। साथियों, पूजा के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज शिक्षित बनने के जरूरी है, जब तक शिक्षित नहीं बनिएगा विकसित नहीं होइएगा। साथियों, जब तक आप शिक्षित नहीं बनिएगा विकसित नहीं होइएगा, आधा कपड़ा पहनकर, भूखे रहकर, आधा आधा पेट खाकर बाल बच्चे को पढ़ाने के काम कीजिएगा। मेरे साथियों, ये वेद व्यास जी कोई अमीर घर में पैदा नहीं लिए थे, मगर उस पढ़ाई के चलते आज चार वेद लिखने के काम किए हैं। साथियों, आज जो है से इनको चर्चा हुआ है पढ़ने के लिए, गरीबी और अमीरी के जरूरी नहीं है। साथियों, जो बेटा ने अपना स्कूल जाने के लिए जींस और टी शर्ट अच्छा कपड़ा मांगता है, उसको लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान राम राजा घर में जन्म लिए थे, वो चाहते तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए राजा के पोशाक पहन के स्कूल में जाते, मगर धोती पहन के जाते थे। उस बच्चों के लिए कहना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे हमारे परिवार के पास में, गार्जियन के पास में पैसा नहीं है तो अच्छा कपड़ा के जरूरी नहीं है, शिक्षित बनिए। जब जब शिक्षित बन जाइएगा, अपना अधिकार आप तब लीजिएगा, टाइम बहुत ज्यादा है। साथियों, वक्त कम है। साथियों, वक्त बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भैया।